हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग फाइन। सो गाइस, मेकअप करने के लिए बहुत एसेंशियल चीज होती है ब्रशेस, बिकॉज ब्रशेस जो है वह आपके मेकअप को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फिनिश देती है। अगर आप अच्छे ब्रशेस यूज करते हो, अगर आप यू नो क्वालिटी वाइज अच्छे ब्रशेस यूज करते हो, तो आपका मेकअप का जो यू नो फाइनल लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है और आपके फेस को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक मिलता है विद द हेल्प ऑफ यू नो गुड ब्रशेस। सो आज मैं आपके साथ एक ब्रश सेट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने मीशो से लिया है और उसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे या इंटरेस्टिंग लगे, देन प्लीज प्लीज डू हिट द लाइक बटन ऑल्सो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। सो जिन्हें नहीं पता है, मैं उनको बता दूं दैट मीशो इज अ वेरी वेरी पॉपुलर एंड अ वेरी वेरी ट्रेंडिंग ऐप, जिसमें आप हर तरह के सामान खरीद सकते हो और आप बेच भी सकते हो। आप मीशो से यू नो मनी भी अर्न कर सकते हो। और मीशो में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, लाइक यू कैन गेट यू नो मेन्स की कैटेगरी, वुमेन्स की कैटेगरी, किड्स की कैटेगरी, एंड देयर इज अ लार्ज सेक्शन यू नो इंक्लूडिंग ब्यूटी इन द मीशो सेक्शन, मीशो ऐप। और उसी से मैंने ये ब्रशेस लिया है। आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर द ब्रांड, कौन सा ब्रांड से मैंने लिया है, बट अगर मुझे उनके परचेज लिंक मिलेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर द ब्रांड नेम। तो ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में मैंने मुझे रिसीव हुई थी ये ब्रशेज। दिस इज अ सेट ऑफ 10 ब्रशेज, इसमें 10 ब्रशेज हैं। और अब चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। पैकेजिंग वाइज बहुत ही यू नो नॉर्मल सी पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुई थी। दिस इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, पता नहीं मुझे क्या है, मगर इसमें मुझे रिसीव हुआ था। और बट द प्राइस ऑफ दीज ब्रशेज सेट इज रियली वेरी वेरी रीजनेबल। आई थिंक आई परचेज इट फॉर 174 रुपीज। दिस इज जस्ट फॉर 174 रुपीज। और 174 रुपीज में अगर आपको ट्रेंड ब्रशेज का सेट मिलता है, तो इट इज अ वेरी वेरी गुड डील। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जरूर ट्राई करो। तो इसमें जो ब्रशेज हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दीज आर द 10 ब्रशेज, इसमें से मैंने काफी ब्रशेज यूज भी किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। इसमें 10 ब्रशेज आपको मिलते हैं। और इसमें आपको फेस ब्रशेज के साथ साथ आपको आई शेडो ब्रशेज, आई ब्रशेज भी मिलते हैं। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस द पर्पज ऑफ ईच एंड एवरी ब्रश विथ यू, सो दैट यू कैन नो कि इसमें आप जो ब्रश ले रहे हैं वो आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो। सो अगर हम इनकी क्वालिटी के बारे में बात करें, तो ये काफी सॉफ्ट हैं। अगर आप बिगनर हो, इफ यू आर स्टार्टिंग इन मेकअप एंड इफ यू कांट इन्वेस्ट वेरी मच इनटू ब्रशेस, तो फिर आप ये ब्रशेस का सेट जरूर ट्राई कर सकते हो। बिगनर फ्रेंडली है ये, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आमतौर पर आप ब्रशेस देखो तो काफी एक्सपेंसिव आते हैं, तो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा चॉइस है। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द फेस ब्रशेस, उसके बाद हम बात करेंगे आई ब्रशेस के बारे में। ऑल राइट, सो देर आर 5 फेस ब्रशेज इन दिस एंड 5 आई ब्रशेज इन दिस। ओके, सो ये कुछ हैं 5 फेस ब्रशेज। ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। सो ये जो ब्रश आप देख रहे हो विथ अ फ्लैट बेस, दिस इज फॉर अप्लाइंग फाउंडेशन। बहुत लोग यू नो ब्रश से फाउंडेशन अप्लाई करना पसंद करते हैं। आई एम मोर कम्फर्टेबल विथ ब्यूटी ब्लेंडर, लेकिन बहुत लोग करते हैं, तो उसके लिए ये जो फ्लैट बेस है ये फाउंडेशन के लिए आप यूज कर सकते हो फॉर अप्लाइंग फाउंडेशन। देन द सेकेंड वन, दिस इज एन एंगल्ड ब्रश, अगर आप देख सकते हो ये एंगल्ड है थोड़ा सा, तो इसको आप अपने ब्लश ऑन्स के लिए यूज कर सकते हो। एंड अ लिटिल बिट ऑफ योर हाईलाइटर ऑल्सो यू कैन यूज इट, आप उसके लिए यूज कर सकते हो। एंड देन दिस इज द पाउडर ब्रश, ये पाउडर ब्रश है, इससे आप अपना पाउडर यू नो कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू कैन इवन यूज इट फॉर योर ब्लशेज, फॉर अप्लाइंग योर ब्लश ब्लशेज। दिस इज एन एंगल्ड फ्लैट ब्रश, अगर आप देख सकते हैं, दिस इज एन एंगल्ड फ्लैट ब्रश, इससे आप
अपने आईज के नीचे अगर आप कंसीलर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, या आप कॉन्टोरिंग के लिए भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टोरिंग के लिए बहुत ही प्रिसाइज है। आराम से आप इसको अपने चीक्स के या जॉ लाइन्स के कॉन्टोरिंग के लिए यूज कर सकते हो। प्लस यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर अप्लाइंग योर कंसीलर। एंड दिस इज अ फ्लफी ब्रश, इससे आप ब्लश भी अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई योर हाईलाइटर्स एज वेल ऑन योर चीक, ऑन योर नोज, ऑन योर चिन। इससे आप हाईलाइटर भी आराम से यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द फेस ब्रशेज एंड नाउ लेट्स गो टू द आई ब्रशेज। तो आई ब्रशेज भी हमें इसमें पांच मिलते हैं। देखो, these are the five eye brushes which we get, और मैंने सभी इनफैक्ट यूज कर लिया है। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फ्लफी आई ब्रश। दिस इज द फ्लफी आई ब्रश। ये आपके ब्लेंडिंग के लिए, क्रीज के ट्रांजिशन शेड के लिए, जो आप अपने क्रीज के ऊपर ब्लेंड करते हो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छे से ये मूव होता है और ब्लेंडिंग बहुत अच्छी से इससे होती है। देन दिस इज एन एंगल्ड फ्लफी ब्रश। इफ यू कैन सी इट हैज एन एंगल्ड हियर। इससे आप इनर्स में बहुत अच्छे से अपने आई शेडो को अप्लाई कर सकते हो एंड देन यू कैन ब्लेंड इट ऑल्सो वेरी नाइसली विद दिस। इनर्स के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से अप्लाई होती है आपके इनर्स पे ये आई शेडो इस ब्रश से। देन यू हैव अ फ्लैट ब्रश। दिस इज द फ्लैट ब्रश। इसका अगर आप ये माउथ देख रहे हो तो इट इज कम्प्लीटली फ्लैट। ये अगर आपको कोई पिगमेंट्स को अप्लाई करना है अपने आईलिड्स पे, कोई भी लूज पिगमेंट्स अगर हुए या कोई भी शिमरी शेड हुआ जिसको आपको अप्लाई करना है आपके आईलिड्स पे, तो ये इस ब्रश से बहुत ही अच्छे से प्रिसाइसली अप्लाई होती है आपके आईलिड्स पे। और देन इज द एंगल फ्लफी ब्रश। जैसे आप देख रहे हो इसमें एक एंगल दिया हुआ है, तो इससे आप अपने आउटर वी में बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो अपने आई शेडो को और एक शेप दे सकते हो। बिकॉज इट इज एंगल्ड इन शेप, तो इससे आप अच्छा सा एक शेप भी दे सकते हैं अपने आउटर वी कॉर्नर्स पे। वी कॉर्नर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा ब्रश है। एंड देन द लास्ट ब्रश इज अ फ्लैट ब्रश। ये एक फ्लैट फाउंडेशन आई शेडो ब्रश है, जिससे कि आप अपने पिगमेंट्स भी लगा सकते हो और अपने वॉटर लाइन यानी कि अपने अपने वॉटर लाइन पे जो आपके आईज के नीचे वाला हिस्सा होता है, इस पे भी आप अच्छे से कलर्स को लगा के आप उन्हें ब्लेंड कर सकते हो, बफ कर सकते हो, जिससे कि आपका लुक जो है बहुत ही ज्यादा क्लीन और ग्रेडियंट आता है। आपके आईज को बहुत ही ग्रेडियंट इफेक्ट मिलती है अगर आप अपने वॉटर लाइन के जो कलर्स को अगर बफ कर देते हैं या उन्हें स्मच कर देते हैं, स्मच करके अगर लुक देते हैं अपने आईज को, तो आपकी आईज जो है वो बहुत ही ब्यूटिफुल अपियर होती है, बहुत ही क्लीन आई शेडो लुक मिलता है आपको। सो फॉर दैट दिस ब्रश इज वेरी वेरी गुड। अभी जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो मैंने यही ब्रशेज यूज करके क्रिएट किया है, बी इट द आई शेडो ब्रशेज और बी इट द ब्लश ब्रशेज या कॉम्पैक्ट ब्रशेज। मैंने यही ब्रश सेट को यूज करके ये मेकअप लुक क्रिएट किया। आई थिंक इट हैज कम आउट प्रिटी वेल। तो मैं बहुत ज्यादा आई वुड नॉट गिव 10/10 टू दीज ब्रशेज, बट आई वुड डेफिनेटली गिव अ 7 टू दीज ब्रशेज, क्योंकि अगर आप बिगनर हो, अगर आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू आर लर्निंग मेकअप, देन दीज आर वेरी हैंडी टू यूज और आप इनसे मेकअप सीख सकते हो। वंस यू हैव लर्न द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग द ब्रशेज एंड यू हैव लर्न प्लेइंग विद कलर्स, देन यू कैन इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी ब्रशेज और एक्सपेंसिव ब्रशेज। मगर अगर आप शुरू कर रहे हैं मेकअप, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप ये ब्रशेज को एक ट्राई जरूर दे सकते हो। दे आर गुड, दे आर नॉट वेरी गुड, बट दे आर गुड। सो यस गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टूडेज वीडियो। आई होप आपको मेरा ये ब्रशेस का रिव्यू अच्छा लगा हो जो मैंने मीशो से बाय किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज प्लीज ऑल्सो हिट द लाइक बटन और आप मेरे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। बाय बाय।